तारे एक्चुअली है क्या? तो ये देखो जरा, इसके लिए क्या करना है, इसे मांझे की स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी, कितना ताकतवर मांझा है, कितना बढ़िया मांझा है, कितनी उसके अंदर जान है, कितना वो दूसरी पतंग को काटने में जो है ना कामयाब रहेगा। ये सब तारों पे ही डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी का मांझा है, ठीक है, 12 तार का मांझा रेयर मिलता है, ये स्पेशल मैं अमृतसर से लेके आया हूँ, ठीक है, और 12 तार है। अब क्या करना है हमने, सिर्फ ये मांझे का एक टेस्ट भी है, तारें भी टेस्ट हो जाएंगी और मांझे की स्ट्रेंथ भी ताकत भी चेक हो जाएगी साथ साथ में। क्या करना है ये देख लो, आपने ये रखा है यहाँ पर मैंने, और ये देखो इसको रखो नीचे, ठीक है, और ये कर दिया इसका ऐसे, ठीक है, 12 तार है या 4 तार है, इसकी सारी तारें अब निकल आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो इसका हाल, अब ऐसे कर लेना है, ये देखो ये ज़मीन पे ऐसे रगड़ा है हमने, और इसका सारा जो है ना सिस्टम यहाँ से हिल गया है, खुल के ये हमारे सामने आ चुका है, ये देख रहे हो, ये 12 तार 12 तार, ये देखो कैसे मैं हाथ पे रख के दिखाऊँ, ये देख लो, इस पे रख के यहाँ पे दिखाता हूँ इस बैकग्राउंड में, ये देखो ये कितनी तारें असल में इसके अंदर हैं, ये हमें पता लग रहा है, 3 4 4 तो ये है, और अगर इसको आप ध्यान से और खोलोगे तो एक के अंदर 3 3 प्लाई इसके अंदर है, ये खुल गया है, ये देख लो इसको पांव से हमने रगड़ा है और ये सामने आ गई है सारी तारें, ये बिल्कुल धीरे धीरे अगर आप निकालोगे ये सारे निकलते जाएंगे और गिनोगे तो 12 मिलेंगी, 3 होंगी और 1 4 होंगी, और 4 में हर तार के ऊपर 3 3 होंगी, ये बिल्कुल अगर बाल से भी आधी हो जाएगी, ये देखो मैं खोलता जा रहा हूँ और ये खुलती जा रही हैं परतें, फोकस करके देखो ये कितना कुछ झमेला निकल आया इसमें से, ये सब पता लग रहा है, ये देख लो ये है 12 तार। इसी तरह से तारे आप चेक करते हो, ये जितना कर सकते हो, जितना ज़्यादा ये तारे होंगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, हालांकि मैंने जब इसे पाँव से रगड़ा ना ऐसे, तो पाँव से रगड़ने से इसका सारा मटेरियल ज़रूर उतर गया है, ये जो ब्लैक कलर था इसका, जो भी कलर होगा वो उतर जरूर गया, लेकिन हाँ उसके अंदर इतना ज़रूर है कि हमें ये धागे अलग मिल गए। देखो 4 5 तो हमें ये नज़र ही आ रहे हैं, और अगर एक एक और खोलूँ तो ये देखो ये और भी खुलते जा रहे हैं, ये देखो यहीं से पता लग रहा है कितना दमदार ये मांझा है। देखो ये कितनी तारें हमारे सामने ये आ गई हैं, और भी खुल रही हैं, ये भी खुल जाएगा, और ये देखो ये खुल गया, ये भी खुल गया, ये देख लो। तो ये हैं तारें, जो लिखा होता है ना एक्चुअली क्या होता है, 12 तार लिखा हुआ है, तो 12 तार का मतलब यही है, धागा जितना अच्छा होगा पुताई उसके ऊपर उतनी बढ़िया होएगी, और वो काटने में और उसमें कामयाब भी रहेगा। तो ये है मैंने जो आपको बताया 12 तार। इसी तरह से अगर और किसी को देखना है, कोई और है 4 तारें या 3 तारें, अपने सिंपली क्या करना है, रखो हल्का सा रगड़ो ऐसे, इसको रगड़ के इस तरह से, और इसकी तारें खोल दो, ये पता लग जाएगा, ये देखो ये सब सामने आ गया, कलर ऊपर से मटेरियल सब उतर गया और ये आ गया सामने, ये देख लो इसकी भी निकल आई है, ये 4 तारें नज़र आ रही हैं हमें अलग अलग से, ये तो इस तरह से ये इसका मतलब होता है, 4 तार 12 तार 8 तार ये सब ये निकाल सकते हो, या फिर इसको ऐसे करो, इसको यहाँ से फोल्ड करो, ये फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे करो, रगड़ दो इसको अच्छी तरह से, ठीक है, यहाँ से रगड़ने के बाद इसको खोल के देखो, रगड़ के देखो बस, अब इसको वापस कर दो, वापस करोगे तो ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा अंदर से, और रगड़ने से ही यहाँ से भी डिफरेंस पता लग रहा है हमें, इसको आप निकाल सकते हो। बेस्ट तरीका तो यही है, इसको आप ये हो गया देखो, ये नज़र आ रही है तारें इसके अंदर,
ये नज़र आ रही हैं, सफ़ेद भी निकल आया है। और लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट तो यही है, आप इसको पाँव के नीचे रख लो, डबल करके रखो या सिंगल ऐसे करके, और ऐसे करो और ये सब कुछ सामने ये निकल आएगा, एक दूसरे में जो तार लिपटी हुई है वो सारी सामने आ जाएंगी। ये होता है 12 तार, 4 तार और 3 तार, जो भी इस पे लिखा होता है उसको टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, तारें गिन सकते हो इनके कितने अंदर। एक्चुअली तारे मीन्स इसके अंदर थ्रेड है, जो धागा है ना वो है, उन्हीं को तार बोला जाता है। कल इसका भी करो। क्या करें इसका भी, इसका भी दिखाएं, तारे दिखाएं इसकी भी। हैं, बैठ आ जाए यहाँ पे, दिखाता हूँ तुझे देख। इसको क्या करना है, हमने क्या बताया था, मैंने इसको ऐसे रखो और ठीक है ऐसे हो गया। ये देखो अब इसको थोड़ा सा और कर दे, ठीक हो गया, ऐसे करो और इसकी तारें अब ये निकल आई हैं। ये देख यहाँ से, ये देख, ये रह गई थी ना, तो इसकी भी तारें देख, ये देखो ठीक है, देखो कितनी सारी हैं, दिख रही हैं बहुत सारी, खोलते जाएं तो और निकल रही हैं ना। कैसे करना है इसको, सीधा बस पाँव के नीचे रखो और रगड़ दो अच्छी तरह से, ठीक है, यहाँ से पता लग जाता है ठीक है कि ये कितनी तारे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये देखो कितनी सारी यहाँ से, ठीक है भाई अब ठीक है। हाँ। बढ़िया, रगड़ो इसको पाँव के नीचे और पता लग जाएगा तारे हैं कितनी, जितनी ज़्यादा तार उतनी अच्छी क्वालिटी का मांझा। चलो उधर बाय करो। Bye. तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, ये तारों का चक्कर क्या था, सबसे पर्दा उठाया है मैंने आज, और जानकारी अच्छी अगर लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नया लेके, अंटिल देन ऑल द बेस्ट।